अरे दूसरों के घर जाकर वही लोग पंचायत करते हैं जिन्हें अपने घर पे चाय तक नहीं मिलती। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है, बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। जिनका कोई जानू मानू नहीं है वो मेरे पास आ जा, मैं जहर बना रहा हूँ, मिलकर खाते हैं। तुम्हारा काम कर करके ना मेरे हाथ छोटे हो गए। क्यों, तूने नापे क्या? हाँ, पहले मैं पैरों के अंगूठे छू लेती थी और अब देखो घुटनों तक भी नहीं पहुँच रहे। मोटी हो गई है तू। चाचा का मैं तेरे लोगों ने सौ नहीं तो मेरा निकल यहाँ से, खून पी जाऊँगा मैं तेरा। अब ये श्रीलंका वाले अलग ही दुख में हैं कि कहीं भारत सरकार ये ना कह दे कि लंका को तो भगवान राम ने जीता था, श्रीलंका भी हमारी है। सभी शादीशुदा महिलाओं को ये सूचित किया जाता है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पति का खास ख्याल रखें, नहीं तो सावधानी हटी पड़ोसन पटी, जानकारी महिला हित में। प्यार बहुत अच्छा होता है, प्यार में पहले आप होता है, फिर तुम होता है, फिर तू होता है, फिर तू मैं होता है, फिर लोग थू थू करते हैं। इसलिए मुझे प्यार नहीं करना, पर प्यार बहुत अच्छा होता है, जिसके लिए होता है उसके लिए। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से हो, मैं भी तो देखूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है, तो आप कमेंट करके बताओ और मैं सबका रिप्लाई करूंगी। तो आप कमेंट कर। ज्यादातर औरतें तीन बार में शॉपिंग करती हैं, पहली बार देखने जाएंगी, तो दूसरी बार खरीदने जाएंगी और तीसरी बार बदलने जाएंगी। लेकिन एक बात है भाई, गोलगप्पे तीनों बार ही खाएंगी। अगर पत्नी घर की लक्ष्मी होती हैं, तो ये फिर पैसे क्यों मांगती हैं? भाई हाँ, एक बात बतायो यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? कदर कर लो ठंड की, अभी फ्री में मिल रही है, 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड करवा रखी है तो थोड़ी सी बर्फ भी गिरा दो ताकि मनाली जाने के सपने भी पूरे हो जाए। सर्दियां तो पालक बथुआ मेथी मटर छीलने में और कंबल रजाई फोल्ड करने में ही निकल जाएंगी। जब तक ये काम खत्म होंगे तब तक फ्रिज में बोतल भरकर रखने वाला सीजन शुरू हो जाएगा, उससे थोड़ी राहत मिलेगी, फिर वो पकौड़े तलने वाला सीजन शुरू हो जाएगा। मतलब हम और तो कुछ भैया, जब तक जिंदगी है ना पेट भर के खा ले करो, मरने के बाद तो घर में नहीं आवाज आए करेगी, जा रे जा छोरा अपने बाबा के भोग लगा दे। कदर कर लो ठंड की, अभी फ्री में मिल रही है, 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड करवा रखी है तो थोड़ी सी बर्फ भी गिरा दो ताकि मनाली जाने के सपने भी पूरे हो जाए। आज तो नहा लो जाकर, अब तो गीजर भी लगवा दिया। तो गीजर गर्म पानी ही तो दे, नहाने का हौसला थोड़ी दे वो। एक सवाल पूछना था, वो कुछ साल पहले लाल दुपट्टा उड़ गया था हवा के झोंके से, वो किसी को मिला क्या? हाँ, दुनिया पैसों के पीछे भागती है, हम नहीं भागते। हाँ सही बात, सांस फूल जाती ना। अले डिक्की भैया, यहाँ देखे ना हमारी तरफ, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे होता है पगली। सही पकड़े हैं, तुम कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगी है? उका है ना कि हमरा मन ही ना आए भर रहा है, हमरा मन कर रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको भेज करे, आइए ना हमरे पास। आपको पता है आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे। अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी का साथ हो तो साल भी यूं पलों में गुजर जाते हैं पगली। हाय दिया, आपका हमको खूबसूरत समझते हैं का? अरे पगली, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। आप भी तो बहुत ही बड़े हैंडपंप हैं। हैंडपंप? हैंडपंप तो पगली सनी देओल ने उखाड़ा था, तुम शायद हैंडसम कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो?
नहाया करो, तुम भी लगोगे। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। हर बार उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है, घी को गरम कर। अगर विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन है, वो पति पत्नी भी हो सकते हैं। सुनो ना, आपकी जो ब्लैक वाली शर्ट थी ना, वो प्रेस करते वक्त मेरे से जल गई। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक और शर्ट है वैसी ब्लैक कलर में। मुझे पता था, इसीलिए मैंने उसी में से उतना कपड़ा काट कर उसमें लगा दिया। अरे सूरज भाई। हाँ भाई। दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज कहाँ उड़ी? कहाँ उड़ी पता नहीं यार, तू ही बता दे। हवा में। अरे रुक, अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। हाँ ठीक है पूछो। चलिए बताओ कि दुनिया में सबसे पहला गाड़ी कहाँ चली? कहाँ चली, कहाँ चली, बता बता। अरे यार भाई मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। जमीन पर। जब आपको अपनी ही बीवी से प्यार होने लगे तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्या। बेबी चलो हम लोग चल के नागिन डांस करते हैं। हाँ चलो। मैं ना नागिन बनूंगा, तुम बीन बजाना। नहीं मैं नागिन बनूंगी। अरे तुम तो नागिन हो ही यार।